नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और एज यूजुअल इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर के लेवल्स पे बात करेंगे, और साथ में हम देखेंगे ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है और कुछ स्टॉक्स जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है तो उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों कल मैं ट्रेवल कर रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, और आपका आप लोगों में से बहुत लोगों का मैसेज भी आया कि यहाँ के वीडियो हम मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों जितना आप मिस करते हो उतना ही हम भी मिस करते हैं, और एवरी डे एक समझ लो आदत सी हो जाती है कि यहाँ की जब आपसे बात करते हैं तो जरूर हम भी मिस करते हैं। तो हाँ, जरूर हम ट्राई जरूर करेंगे कि यहाँ की जितना अगर कभी अगर ट्रेवल करें तो हाँ थोड़ा भी यानी 2 मिनट 5-4 मिनट का वीडियो जरूर हम शूट करके आपको दें। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 369 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 986 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक जो है ना, अगर 360 है यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव निफ्टी में, एक बड़ा मूव जिसको हम बोल सकते, एक बहुत दिन के बाद इतना बड़ा मूव आया है। काफी दिन से कंसोलिडेशन जोन चल रहा था, कंसोलिडेशन के बाद क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, क्या ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहेगा, यहां से क्या हो सकता है, ये सब थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे निफ्टी के चार्ट पे। तो हम सबसे पहले आज निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट ओपन करते हैं, और यहां पे जो बॉक्स साइज हम लेंगे 0.10, ये देखना जरूरी है। यस, अगर आप देखो जो प्राइस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक सपोर्ट लिया और वहां से ये बाउंस दिया। अब अगर ये कॉलम की अगर हम बात करें तो मल्टीपल कॉलम ऑफ ओ जो दिख रहा है 1, 2, 3, 4, ये जो है एनगल्फ कर दिया है, करेक्ट, एनगल्फिंग है शॉर्ट ऑफ, करेक्ट। साथ में ये स्ट्रेंथ क्या दिखाता है, ये स्ट्रेंथ दिखाता है बुलिशनेस का, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। जैसे हमने बोला कि यहाँ की यहां पे साइडवेज मूव है, जब रिवर्सल आया था तो क्लियर दिखा था कि हाँ कि कोई डाउट नहीं है। अब जब रिवर्सल आया था, जब जो 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 ब्रेथ की हम बात करेंगे वहां पे एग्जिट इधर कहीं पे दे कि हाँ कि अब बेयरिश नहीं, अब बुलिश के तरफ आप ध्यान दो। अब हम बोल रहे हैं कि हाँ ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, वह पैटर्न जो फॉर्मेशन हुआ है बाय सेल बाय यानी बुलिश ब्रॉड। प्रॉब्लम क्या है यहां पे, अगर कोई अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो या अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे पोजिशनल ट्रेड अगर आप नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस आपका करेंट स्टेज पे पैटर्न फेलियर लेवल या रिस्क जो है आप बोल सकते हो रिस्क टू रिवार्ड फेवरेबल नहीं। अब रिस्क टू रिवार्ड अगर फेवरेबल होने के लिए क्या होगा, एक हो सकता है कि अगर किसी दिन एटलीस्ट 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे अगर हम बात करें कॉलम रिट्रेस हो जाए, थोड़ा रिट्रेसमेंट हो जिससे कि ये कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ हो जाए। और अगर आज का अगर हम क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 22,880 के अगर नजदीक अगर आता है और फिर टर्न अगर होता है तो पॉसिबिलिटी है एक आपको अच्छा खासा मूव मिल सकता है, बिकॉज वहां से इस कॉलम से काउंट भी अपसाइड प्लॉट कर सकते हो प्लस अफोर्डेबल स्टॉप लॉस। फिलहाल अभी अगर हम बात करें निफ्टी 50 के तो चार्ट सेटअप मुझे बुलिश ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और काफी कुछ दिन से बुलिश है, इस रेंज को ब्रेक किया है। अब अगर रेंज को ब्रेक किया है तो किस कहां पे जाके एक सपोर्ट ले सकता है, तो दोस्तों ये जो एक लेवल है 22,700 और 22,600, तो 600 से 700 के बीच में पॉसिबिलिटी एक सपोर्ट ले सकता है। तो इमीडिएट जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट सपोर्ट क्या है, तो 22,600 22,700 आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस क्या है,
दोस्तों रेजिस्टेंस अभी नहीं दिख रहा है ईओडी चार्ट पे, सो इसलिए आप अगर आप एंटर किए हुए हैं तो जरूर आप फॉलो कंटिन्यूअस आप बने रहिए, आपका जो भी मेथड है एग्जिट का उस हिसाब से आप एग्जिट कीजिए। अगर आप अभी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा वेट फॉर द फॉलो थ्रू, पूरा रिट्रेसमेंट और उसके बाद। अब इसमें फॉलो थ्रू हो सकता है कि अगर नहीं है तो क्या, एक माइंड में जरूर ये रहता है दोस्तों, थोड़ा वीडियो का हो सकता है कि लेंथ ज्यादा हो जाए, बट आप समझो अगर होगा तो क्या नहीं आया और सेम कॉलम में चल, हो सकता है कि आप मिस करें, बट स्टॉक आपके पास है मल्टीपल स्टॉक्स, बिकॉज अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है उसी में से कोई स्टॉक या सभी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, निफ्टी 50 में जितने सेक्टर इंक्लूड है या तो कुछ सेक्टर ऊपर जा रहे हैं या सभी सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, तो आपके पास अगर नहीं है उधर अपॉर्चुनिटी तो आपको स्टॉक में देखना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है। अब मेरे लिए रिस्क अगर कम है, अगर मुझे एंटर करना है और मेरा रिस्क कम है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पे नहीं है तो हम कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी हो सकता है क्या, या कोई जैसे यहाँ डबल बॉटम सेल नहीं हाई पुल हो सकता है क्या, तो ये मल्टीपल मेथड होता है जिसको आप खुद एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप अपना हिसाब से अगर आप सिस्टम बनाते हो, अपने हिसाब से अगर आप एंट्री करते हो और जो हम जो बात करते हैं एक डायरेक्शन देते हैं तो उससे आपको खुद का बेनिफिट होगा, आपके खुद आपके नॉलेज आपका शार्प होगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस आएगा। फिलहाल अब आते हैं निफ्टी बैंक की बात करते हैं, और निफ्टी बैंक का जो चार्ट सेटअप है अभी भी बुलिश है। अगर आप देखो तो एंकर पॉइंट पे हमने वेंसडे को बोला था कि ये अगर रिट्रेस होता है तो एंकर पॉइंट के नजदीक सपोर्ट लेकर और फिर से जा सकता है अपसाइड, और यही हुआ, थ्री कॉलम ट्रेंगल का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंगल का फॉर्मेशन। अब पैटर्न फेलियर जो लेवल जो दिख रहा है यानी 47,700 ये एक आपका पैटर्न फेलियर लेवल है जो कि वहां से 47,700 से सेटअप आपका बेयरिश हो जाएगा जो कि 1000 पॉइंट का ऑलमोस्ट है। अब ये ट्रेंड कहां तक कंटिन्यू रह सकता, तो ये एक अगर हम अगर हम बात करें एक कॉन्ट्रैक्ट काउंट का तो 48,000 तो हो गया है और आप इससे यानी 49,656 तक पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यू हो सकता है, तो 47,700 का आप पैटर्न फेलियर लेवल निफ्टी बैंक के लिए लगा सकते हैं, सेटअप बुलिश। अब बात करते हैं इंट्राडे का, इंट्राडे से पहले एक जो हमने डी स्मार्ट लाइन पे जो बात किया था दोस्तों, ये देखिए कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, कोई भी मेथड ले लो, विप्सो तो आएगा, इससे आप बच नहीं सकते, हम नहीं बच सकते, विप्सो आएगा तो ऐसा नहीं कि आपको सिस्टम बंद करना है, आपको स्टॉप कर देना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना, आप कंटिन्यू करो। आप अगर आपको लगता है ना पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करो, और पोजीशन साइजिंग पे हम कभी बात अलग से करेंगे बिकॉज और वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे डी स्मार्ट का अगर आप देखोगे तो ये एक बड़े ट्रेंड, फिर से बड़ा ट्रेंड, थोड़ा विप्सा, एक फिर से ट्रेंड, एक थोड़ा विप्सा और फिर से ट्रेंड। तो आप अगर आप देखोगे जब ये ब्रेक किया था सो अराउंड 22,200 से लेकर और 23,000 800 पॉइंट का आपका मूव वन साइड निफ्टी 50 में आपने कैप्चर किया, क्यों जीरो, और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि ईओडी बेसिस पे। अब जो करंट अगर आपको 22,200 पे अगर आपने एंटर किया जैसे, तो आपका करंट इसमें क्या है 22,800, ये आपका पैटर्न से रियल लेवल है, 22,800 के नीचे अगर जाएगा तो आप एग्जिट। अब इतना बड़ा ट्रेंड के बाद क्या विप्सव आएगा, हो सकता है, ये हमको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको आप तो फॉलोअर्स हो यानी ट्रेन को फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप ट्रेन को फॉलो कर रहे हो तो लेट ट्रेड यानी ट्रेन को डिसाइड करने दो ना, हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि क्या विप्सव देगा, यहां से प्राइस कितना जाएगा, कहां तक जाएगा, ये 25,000 जाएगा, 24,000 जाएगा, कौन गवर्नमेंट आएगा, सी प्राइस दिख रहा है ना, प्राइस रिएक्ट कर रहे हैं, हम वैसा रिएक्ट करेंगे। एनीवे सो ये निफ्टी का रहा। अब अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर ले सेम सेटअप पे जो कि 0.08 पे, बड़ा ट्रेंड, फिर से बड़ा ट्रेंड,
एक थोड़ा विप्सो, अब ये ट्रेंड कंटिन्यू, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होकर और कहां तक जा सकते हैं? तो इस कॉलम से अगर काउंट लगाते हैं तो 49,755 का है और ये कंटिन्यू हो सकता है, दो तीन वेबसाइट फिर से ट्रेंड, तो आपको फॉलो करना है। और डी स्मार्ट लाइन इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर अगर आपके पास डिफाइनेस सिक्योरिटीज में डीमेट अकाउंट है तो ये जो चार्ट जो हम बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर रेन को, ये फ्रीली अवेलेबल है, इंडिकेटर ये फ्रीली अवेलेबल है, तो आप जाके एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपके पास डिफाइनेंस में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जाके जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके अकाउंट ओपन कीजिए, जल्दी कीजिए, बिकॉज आप इसको लाइव में भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सो अब फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल की बात कर लेते हैं। और इंट्राडे के लेवल्स की अगर हम बात करें तो 23,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, और 22,750 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश सपोर्ट। अब इतने बड़े ट्रेंड के बाद तो थोड़ा बुलिश और बेयरिश लेवल में डिफरेंस तो आएगा, और उसके बाद हो सकता है एक दो दिन, एक दिन यानी कल परसों थोड़ा साइडवेज, फिर से एक अप ट्रेंड, तो इस तरह से ये चलते रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 48,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 48,300 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी। फिर निफ्टी की बात करते हैं तो 21,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी जो कि 900 तक, और 21,600 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी। सेंसेक्स की लेवल की बात करते हैं तो 75,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 74,500 के नीचे सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी। अब गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड दोस्तों आप देखो ये डी स्मार्ट लाइन का सेम डी स्मार्ट, हम क्यों कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं, डी स्मार्ट लाइन में क्यों हम फोकस करते हैं, बिकॉज उसमें मल्टीपल सिनेरियो पकड़ा गया, और डी स्मार्ट अगर आप इंडिकेटर आप फॉलो कर रहे हो, सबका मन रहता है कि जब प्राइस जो है ट्रेंडिंग हो तो मेरा जो ट्रेलिंग हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, करेक्ट, और जब अगर प्राइस साइडवेज हो तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग जो भी हम मेथड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, थोड़ा फार होना चाहिए, यानी दूर होना चाहिए। क्यों दूर होना चाहिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि विप्सो में मेरा बार बार एंट्री और एग्जिट, करेक्ट, ये सबका आपका है, मेरा रहता है, आपका रहता है, सबका ये रहता है। और इसको डी स्मार्ट लाइन में इस प्रॉब्लम को, इस को सॉल्यूशन दिया गया कि जब ट्रेंडिंग रहेगा, जैसे आपका ये ट्रेंडिंग वन मूव फास्ट, ये ट्रेंडिंग रहा, देखो आप साथ आपको ट्रेलिंग कर ट्रेल करेगा, तो ये गोल्ड का मूवमेंट ये है। अगर गोल्ड की बात करें तो 72,900 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 72,000 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर आप देखो एक बड़ा ट्रेंड, और जब ट्रेंड मिला था तो हमने क्या बात किया था कि विप्सो आ सकता है, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मूव, उसके बाद ये एक रैली जो दिया डाउन साइड रैली, और इस पॉइंट पे ही था कि पॉसिबिलिटी 91,000 तक आ सकता है, जो कि ये अचीव हो गया। अब डी स्मार्ट लाइन के नीचे आया, और डी स्मार्ट लाइन का जो लेवल था 94,800 के नीचे कंटिन्यूअस, वो कहां पे जाके हुआ 93,400, ऑलमोस्ट 1400, फिर से सेल आया और वो ट्रेंड कंटिन्यू, तो इस तरह। अभी अब क्या करना चाहिए, तो 91,555 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। यस, यहां पे जरूर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पैटर्न रीटेस्ट हुआ है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर अपसाइड अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है, 91,800 और 92,000, और यस, तो ये एक क्लस्टर काउंट है, तो पॉसिबिलिटी है ये काउंट आपका अचीव हो जाए। और बेरिश साइन 90,700, एक बार फिर से हम लेवल देखते हैं, यस 800 के नीचे अगर सस्टेन होना शुरू हुआ तो आपको बेरिश हो। तो ये रहा आपका इंट्राडे की बात, इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब इंडेक्स का। अब आज जो है
अगर हम बात करें यहाँ पे हिट मैप क्यों हम थोड़ा रन किए, बिकॉज मुझे देखना है कि क्या आज के जो निफ्टी 50 या जो 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 मार्केट में जो रैली आया है वो कौन कौन से सेक्टर में। आप देखो, आप निफ्टी ऑटो, निफ्टी प्राइवेट बैंक, फिन सर्विस, पीएसयू बैंक, सर्विस सेक्टर, इंफ्रा, निफ्टी बैंक, आईटी, इवन आईटी भी आज जनरली क्या होता है, आईटी नीचे बैंक ऊपर, बैंक नीचे आईटी ऊपर, इस तरह से मैनेज होता है। आईटी को ऊपर रखा जाता है, डिफेंसिव है। ऑयल गैस, रियल्टी, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एमएन, ये सभी जो सेक्टर है। तो मैक्सिमम सेक्टर क्या थे यार, पुलिस थे, वो जाना ही था। अरे अब ये क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि हो सकता है या नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है ये सब। अब ये सेक्टर अगर हमने देख लिया तो मुझे ये देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अब ऑल एसेट क्लास का अगर हम चार्ट ओपन करें, निफ्टी 50 अपॉन निफ्टी 50 सॉरी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, तो गोल्ड अब ये फर्स्ट टाइम जो है डे स्मार्ट लाइन के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट करता हूं, That will be a good sign for the equity market. और इक्विटी मार्केट यानी निफ्टी outperform करे। तो आपको outperformer stock, outperformer sector और stock आपको उस पे नजर रखना होगा। अब ये DA Smart Line के नीचे नहीं क्लोज दिया, 21800 और 21850 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम बोलते आ रहे हैं। ये इसके नीचे जिस दिन क्लोज दिया ना, आप समझ लो कि यहाँ की bearish trend फिर से शुरू हो जाएगा, शॉर्ट टर्म bearish trend, not long. तो ये इस पे आप नजर रखिए, बट ओवरऑल मुझे कंफर्टेबल है। परसों भी हमने बोला था, लुकिंग एट ब्रेथ चार्ट, डरने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ भी डरने की बात नहीं है। और जब भी अगर मुझे दिखेगा कुछ ऐसा तो जरूर हम आपको इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे, लाइव में भी हम कोशिश करेंगे। ट्विटर हैंडल आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है RAJRAN06, तो आप जाके आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो और वहां पे हम ट्वीट भी करते रहते हैं, तो आप देख सकते हो। तो एनीवे, अब एसेट क्लास की अगर हम बात कर लिए तो अब आ जाते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं आर्जुन में जाकर और ब्रेथ चार्ट। और फिर से निफ्टी 50 और स्कैन करके ये देखना क्यों जाएगा, कहीं तो ऐसा नहीं कि डाइवर्जेंस हो गया है। ये आपका 70 नहीं, आज तो 78, तो यस एक्सट्रीम जोन में तो जा चुका है। अब ये बुलिशनेस में ऐसा होता है तो पॉसिबिलिटी थोड़ा पॉज लेकर और फिर ये, लेकिन जब तक ये निगेटिव नहीं होता है डाइवर्ट, यानी निगेटिव क्रॉसओवर नहीं होता है, तब तक हमको कुछ नहीं कहना। अब आप देखो, बुलिश क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर। अब जब हमने इंडिकेट किया था तो ये लेवल क्या था, अराउंड 22,900 के नजदीक था, सॉरी जो अगर हम ओपन आई यानी 22,000 के नजदीक था, 21,800 22,000, वहां से आपका 22,900 आ गया, यानी ऑलमोस्ट 21,800 से 22,800 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी में मिल चुका है, और थ्रू क्रॉसओवर केवल। सिंपल मेथड, इफेक्टिव मेथड, आप इसको फॉलो कर सकते हो। जब भी अगर बेरिश क्रॉसओवर होगा मतलब क्या होना चाहिए आपको, कॉशियस, बुलिशनेस। अब बुलिश नहीं भैया, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। जब भी अगर बुलिश क्रॉसओवर होगा फिर से हम बुलिश के साथ, तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकता है। बट ओवरऑल ब्रेथ को देखकर हम तो काफी कंफर्टेबल है। अब क्या ये आज के जो रैली में निफ्टी 500 स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म किया, तो उसके लिए हम एक सेफ चार्ट पे जाएंगे, ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50। यहां पे आप देखो, नहीं, निफ्टी 50 आज आउट परफॉर्म किया है, मिड कैप नहीं किया है, स्मॉल कैप नहीं किया है, 500 नहीं किया। इसका मतलब क्या कि आज निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है ना, उसने आज मार्केट को ऊपर की तरफ, समझ गए। बट ओवरऑल मुझे जो दिख रहा है, निफ्टी 500 अभी भी आउट परफॉर्मेंस है, भले ही कॉलम ऑफ होम है। आज यहां से जब ब्रेकआउट निफ्टी 500 का मिलता है तो आपको नजर रखना चाहिए। इवन स्मॉल कैप का अगर ब्रेकआउट अगर मिलता है तो मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हो जाएगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस, इस पे नजर रखना चाहिए।
जब आएगा तो हम देखेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं बजिंग सेक्टर का, और यहाँ पे 100H चार्ट अगर हम किए तो जो मुझे जो दिख रहा है बजिंग सेक्टर में, एक बार फिर से हमने बार बार रिपीट किया है कि सीपीएसई पे आप नजर रखिए, डिफेंस पे नजर रखिए, रेलवे पे नजर रखिए, कितनी बार हम बोलते हैं। और डिफेंस अगर आज देखो कोचिन शिपयार्ड कहां से कहां स्टॉक गया, कोचिन शिपयार्ड आज भी अगर हम बात करें तो आज 16% अप था। जब ये बुलिश एबीसी ब्रेकआउट हुआ था तो हमने डिस्कस भी किया था कि भैया इस पे आप नजर रखो, सो पॉसिबिलिटी 1690 और 2100 तक ये जा सकता है। और आप देखो 1600 तो ऑलरेडी 1890 यानी 1900 हो गया, 15-16% आज के दिन में। मैस्टॉक की बात करें वैसे ही बीएमएल आप देखो, हरेक स्टॉक आईआरएफसी आरबीएनएल ये सभी स्टॉक अच्छे से। अब डिफेंस सीपीएसई रेलवे ये सभी स्टॉक पे नजर रखना चाहिए, पीएसयू बैंक। अब बजिंग में जो मुझे फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीपीएसई जो हमने अभी देख लिया है, सीपीएसई है, डिफेंस है, इंफ्रा है, रेलवे है, शिप बिल्डिंग है, इस पे नजर रखिए, टेलीकम्युनिकेशन, पीएसयू बैंक एंड रियल्टी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, और यस कमोडिटी। तो ये जो सेक्टर है इस सब पे आपको नजर रखना चाहिए। इस सेक्टर के स्टॉक जहां पे भी आपका आउट परफॉर्म दिख रहा है उस पे आपको यानी चार्ट देखना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आपका एंट्री अगर अफोर्डेबल है तो लेना चाहिए। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं, और जहां पे कुछ चार्ट सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग दिखा है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे सिलेक्शन किए हम फिर बाद में, और जो वही मेथड मेरा सेम है सेक्टर स्टॉक ये सब देखने का। सो एक जो स्टॉक जो मुझे जो दिख रहा है कॉनकॉर्ड, दोस्तों ये स्टॉक जो है बहुत बढ़िया मुझे दिख रहा है। जहां पे हम तो ये आप देखो क्लियर अप ट्रेंड में है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ये ट्रैप मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लेकर एंकर कॉलम फॉर्मेशन, छोटा पुल बैक और अब ब्रेकआउट दिया है। मुझे ये स्टॉक 1222-1357 ये एक अपसाइड काउंट जो दिख रहा है, ये ओपन है क्लस्टर ऑफ काउंट जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। अब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो 1080 ये थोड़ा अब हम बोलते हैं ना कि एक टाइट स्टॉप लॉस जो कि एकदम नजदीक का स्टॉप लॉस अगर आपका है तो मूविंग एवरेज यानी मूविंग एवरेज का जो अगर हम वैल्यू अगर हम देखें तो 1040 ये एक 1030 जो आप एज ए पैटर्न फेलियर लेवल लेकर चल सकते हो, बिकॉज ट्रेंड अभी भी बुलिश है, कंसोलिडेशन होकर और फिर निकल सकता है। तो कॉनकॉर्ड पे आप नजर रखिए, बिकॉज 3% चार्ट भी बुलिश है, 1% भी बुलिश है, 1% में तो इवन ट्रिपल टॉप बाई विद बेयर ट्रैप है, और 0.25% भी तो बुलिश है। अनदर स्टॉक जो कि शोभा डेवलपर, ये कौन सा सेक्टर हुआ, अभी जैसे कॉनकॉर्ड सीपीएस है अब यहां पे हम जो बात करेंगे इवन कॉनकॉर्ड रेलवे में भी ये आता है। तो आप शोभा रियल्टी आउट परफॉर्मर है। अब यहां पे प्राइस कंसोलिडेशन में और ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, उसके बाद अगर निकलता है यानी ये शॉर्ट ऑफ जो लेवल है 1900 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी एक बड़ा मूव दिख सकता है। तो आप इस पे आप नजर रख सकते हो। पैटर्न जो फेलियर लेवल है 1764, 1% का भी चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्लियर अप ट्रेंड और ब्रेकआउट भी दिया है 1750 का आपका पैटर्न फेलियर लेवल। तो दूसरा स्टॉक ये एक और जो स्टॉक जो हम जो मुझे जो दिख रहा है एचबीएल पावर, ये भी रेलवे का है। अब एचबीएल पावर की अगर हम बात करें तो यहां पे क्लियर अप ट्रेंड के बाद प्राइस कंसोलिडेशन। अब मुझे वेट क्या किस चीज का है, जब भी अगर ये 45 डिग्री ट्रेन लाइन के ऊपर जाता है ना यानी 560 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है इसमें एक बड़ा मूव आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते।
यहां पे भी सेम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन फॉलो थ्रू, यानी 560 के ऊपर पैटर्न फेलियर लेवल 497। तो एचबीएल पावर पे आप नजर रखिए। हमने कॉनकॉर्ड बताया, शोभा बताया, यस। अब मुझे कुछ ये आया कि अदानी पे सर बात कीजिए। सो सर देखिए, अदानी के जितने भी स्टॉक है, यस बुलिशनेस जरूर है, और हम आज वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया तो इसलिए आज हम नहीं कवर करके कल करेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि क्या होना चाहिए और उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ में दोस्तों आज हम कमेंट आपका नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ वीडियो लेंथ, सो कल हम आपका जो भी कमेंट जो एक दो दिन से पेंडिंग है उसको हम वीडियो में लेंगे। सो इसलिए आप जितना हो सकता आप कमेंट कीजिए, खुद हम वीडियो में रिप्लाई हम करेंगे कि हाँ कि इस कैसे ये देखना चाहिए। और हाँ, लगता है आपको कि अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, देखकर लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, बिकॉज जितना आप शेयर करोगे उतना लोगों को बेनिफिट होगा, लोग कमेंट करेंगे, लोग लाइक करेंगे, और लाइक और कमेंट जब आता है तो मुझे खुशी है। सो होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं कुछ नए स्ट्रेटजी, कुछ नए स्टॉक, कुछ नए लेवल्स के साथ। थैंक यू सो मच।